है वो फीमेल्स में बहुत ज्यादा देखी जाती है, तो इसका कारण क्या होता है और इससे बचने के क्या क्या उपाय है? थैंक यू डॉक्टर रजनी, माई सेल्फ डॉक्टर रजनी गुप्ता फ्रॉम संध्यांशी न्यूरो पंचकर्मा। यहाँ रेगुलर हमारे पास ओपीडीज में पेशेंट्स हम देखते हैं जिनको लो बैक पेन की प्रॉब्लम्स रहती हैं। आजकल यंग एज में भी फीमेल्स या कॉलेज गोइंग गर्ल्स को भी बैक एक की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। देखिए इसका जो मेन कॉज होता है, अगर हम आगे की तरफ झुकने का ज़्यादा काम करते हैं या स्ट्रेचिंग की, मसल स्ट्रेच होने की वजह से कई बार बच्चे खेलते खेलते कुछ ऐसे पोस्चर्स ले लेते हैं जिसकी वजह से उनको बैक एक हो जाता है। और अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट जब आपको एक्यूट कंडीशन है उस टाइम ना करें तो धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली जैसे जैसे क्रॉनिक होती जाती है बीमारी तो प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है। फीमेल्स में जो फीमेल्स आगे ज़्यादा झुकने का काम करती हैं उनमें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ल्यूकोरिया की वजह से जिनको सफ़ेद पानी गिरता है उन फीमेल्स में बैक एक की प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने को मिलती है। कई बार मसल पुल होने की वजह से कोई एक्सीडेंटल हिस्ट्री है तो उसमें बैक एक की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। देखिए जो हमारी बैक है इसमें वर्टिब्राज रहते हैं जिसमें से नर्व्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती हैं। अगर कहीं पे भी नर्व में कंप्रेशन हो गया तो दर्द जो है वो पूरी टांग की तरफ जाती है जिसको हम सियाटिका बोलते हैं, वो भी बैक एक का ही हिस्सा है। फीमेल्स को चलने में ज़्यादा दिक्कत होती है, जैसे सीढ़ी चढ़ती हैं पेन बढ़ जाता है। इस कंडीशंस में एलोपैथिक में या होम्योपैथिक आयुर्वेदा में किसी में भी अगर आप जाता है पेशेंट तो उसको एडवाइस किया जाता है सबसे पहले रेस्ट। अगर आप रेस्ट लेंगे तो आपकी बॉडी ऑटोइम्यून सिस्टम से ही रिकवरी में आ जाती है। अगर आपको एमरजेंसी में कहीं सर्जरी के लिए एडवाइस किया गया है, देखिए अगर आप सर्जरीज के लिए जाना चाहते हैं तो उससे पहले एक बार आप आयुर्वेदा में ज़रूर डॉक्टर किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि आयुर्वेदा में बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जिससे हम सर्जरी से बच सकते हैं। बैक में अगर कहीं पे कंप्रेशन अगर आपका आ रहा है तो उसमें हम कटी बस्ती लगाते हैं, मेडिकेटेड ऑयल को रिंग बना के बैक पे रखा जाता है जिससे धीरे धीरे से स्पैज़म कम होने लगता है, वर्टिब्राज को स्ट्रेंथ मिलती है और पेन पेशेंट का कम हो जाता है। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ ऐसी रिसर्चेज हैं जो ऑलरेडी हमने बहुत सारे पेशेंट्स पे इन रिसर्चेज को किया है, ऑलमोस्ट 2000 पेशेंट्स पे ये रिसर्च की गई है जिनको बैक एक की प्रॉब्लम थी और बहुत 7-8 सालों से उनको ये प्रॉब्लम्स हो रही थी। उन पेशेंट्स को हमने 30 डेज का से पैकेज दिया, 10-10 डेज में एवरी मंथ उनको बुला के उन पेशेंट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कमर में दवाई को रखा, फिर उनको मेडिकेटेड मेडिसिन पे रखा, 3 महीने लगातार उनको मेडिसिन दी गई और पेशेंट्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आप देख सकते हैं।